जैसा आपने शेयरिंग बताया तो 22 वर्ष पहले आपकी मतलब देखने की जो शरीर की क्षमता थी वो नहीं रही, उसके बावजूद आप इतना मन लगा रही हैं और काम कर रही हैं, बहुत प्रेरणादायक है सभी के लिए। मेरा नाम उमा राठी, मैं अकोला महाराष्ट्र में रहती हूँ। माता पिता और भाई साथ है, एक बेटी भी है। थोड़ा ब्रीफ में अपने बारे में कहती हूँ, मैं शुरुआत से ही जुड़ी हूँ इस सत्र से। ब्रेन ऑपरेशन के कारण मेरा विजन लॉस हुआ, 22 साल हो गए हैं, और जीने की चाहत तो पूरी बनी थी, सत्य क्या है, लेकिन शरीर की आंख न होने कारण दुखी भी थी, यानी कैसे जीऊं क्या करूं, इन्हीं दुविधाओं और इन्हीं परेशानी इसमें अपने आप से कैसे उभरूं, ये चल रहा था। और आराधना दीदी के द्वारा मुझे इस कंटेंट से जुड़ने का मौका मिला। कंटेंट से तो जुड़ी भाषा और शब्द सूचना रूप में मिल रही थी, लेकिन वो बहुत कठिन सा लग रहा था, कैसे करूं क्या करूं, वही जो चल रहा था, गति बाहर ही थी कि देखना यानी ही सब कुछ है, बाहर जो पढ़ते हैं आप लोग सबको देख देख के मैं अपने आप में। लेकिन सबसे बड़ा शुरुआत तो फिर कानपुर आने के बाद में गणेश भैया जी के द्वारा हुई। गणेश भैया जी ने ध्यान अंकित करवाया, काम कहाँ करना है कैसे, यानी तो यहाँ से मुझे लगता है कि सही जन जर्नी तो वही से शुरुआत हुई है समझने की। यानी 18 में कानपुर आई थी एक सत्र के लिए, और गणेश भैया जी के द्वारा ध्यान आकर्षण मॉर्निंग अभ्यास जो है, अभ्यास सत्र, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा उपकारी सिद्धि हो रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो वही से शुरुआत हुई, उनके द्वारा मुझे सब बताने के बाद अपना ध्यान जाने लगा, और ध्यान जाने के बाद में निश्चित ही दिखता है तो ऐसे ग्लांस होने के साथ तो क्या जबरदस्त लगता है। और फिर उसके बाद लॉकडाउन से मॉर्निंग सेशन शुरू हो गया, और ये मॉर्निंग सेशन ही मेरे लिए बहुत बड़ा उपकारी हो रहा है। पहले सत्र से जुड़ी जो पहला अभ्यास सत्र जो पहला है, उसमें पहली स्टेप कल्पनाशीलताओं को देखना, देखना ये शब्द में ही बना था, क्या देखना कैसे देखना कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अपने एक मन बना के रखा था कि जुड़े रहना है और सुनना है अपने को, देखना है, क्योंकि ये मुझे अपनी आवश्यकता नजर आ रही थी, ये मेरे अपने लिए है। तो इस प्रकार हर बार शुरू मुझे सुनती सुनती हूँ मैं हमेशा सभी की शेयरिंग्स और सभी जो भैया जी बताते हैं सब ध्यान से, और अपने आप में देखने का अभ्यास शुरू हुआ। ये पहली वाली जो स्टेप है अभ्यास सत्र के एक में, और जो पहला स्टेप है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दी दे रही है अभी भी, यानी ध्यान पूरा जाने के लिए, क्योंकि बार बार कुछ नहीं ठीक क्लियर होता है तो मैं यही पे अपने आप को लाती हूँ। ये मेरे मुझे एक मास्टर की तरह काम कर रही है कि पहली जो स्टेप है कि स्वयं को देखना बिना प्रतिक्रिया किए, बिना रिस्पॉन्स, बिना कोई ये, क्योंकि रिस्पॉन्स की अपने जो पूर्व संस्कार और पूर्व अभ्यास इतना गहरा बना है, उसमें रिएक्शन ज्यादा है। बिल्कुल मेरी सुनो, मैं जो कह रही हूँ ठीक है, यानी पूरा पता चलता है कि मैं ठीक दूसरा गलत है, यानी ये सब धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ही ध्यान जाने लगा, तो उसमें सुधार होने के लिए अवसर ही अवसर है। तो ध्यान पहली स्टेप में ही मुझे बहुत ज्यादा समय लगा, क्योंकि वह मुझे पकड़ में ही नहीं आ रहा था किस प्रकार, यानी देखना देख तो रही हूँ, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उसमें रिएक्शन वगैरह वो सब मिक्स हो जाता था, अलग थोड़ा स्पष्टता के साथ देख पाना मुझे समय लगा, लेकिन धीरे धीरे काम होना शुरू हुआ पहले स्टेप। दूसरी स्टेप में भी जो बात है सहज असहज, ये भी ध्यान जाने लगा, और सुखी दुखी होना ये भी दिखाई देने लगा, ये भी यानी स्टेप बाय स्टेप आगे की चीजें मुझे सहज होती गई, सहज होने के लिए बनती गई। लेकिन अभी भी जब नहीं होती स्पष्टता बनती है, तो मैं पहले स्टेप पे ही पूरा काम करने का प्रयास करती हूँ। और ये चौथी वाली जो स्टेप है निर्णय, ये एकदम से शुरुआत यानी परिस्थितियों से हम लोग ज्यादा मैं ज्यादा ये होती थी, इसलिए मैं निर्णय ले रही हूँ ये मुझे स्वीकार ही नहीं होता था, मैंने निर्णय लिया, यानी ये थोड़ा मुझे आश्चर्य सा लगा, लेकिन जब क्लिक हुआ और ध्यान गया तो उसके बाद से वो गाड़ी चल पड़ी कि निर्णय मेरा ही है, मैं ही जिम्मेदार हूँ, इस चीज को भी देख रही हूँ, और उसमें सुधार के लिए मुझे अब अवसर ही अवसर लग रहा है, और उस निर्णय का आधार मान्यता है ये भी दिखाई दे रहा है। तुरंत अब तो पकड़ में आ जाता है, तुरंत यानी विद इन ए सेकेंड, यानी तुरंत वो विचार आते सी वो विचार में पहुंच जाती हूँ कि क्या मान रखा है, इसलिए ऐसा हुआ है ने?
और ये मान्यता शुरुआत में जब कंटेंट से भी हम जुड़ते हैं तब भी हम बहुत सारी मान्यताएं बनाए रख बन जाती है अपने आप ही, मैंने ना हम मुझे तो हम मान्यता ही मान्यता नजर आई थी और उस मान्यताओं में अपने आप को फसावट के रूप में देख पा रही थी, जो रूप ने आगे बढ़ने में विरोध मुझे बाधा के रूप में दिखाई दे रही थी। लेकिन इन्हीं मान्यताओं को सहज करने का भी अवसर दिखाई दे रहा था, सहज स्वीकृति भाव रूप में। ये भाव वाला पक्ष नहीं पकड़ में आता है शुरू, बहुत कठिन लगता है ना कैसे इस भाव को देखूं। भाव स्वीकार तो होता है शब्द के साथ देखते हैं तो भाव को देखना भाव को समझना, लेकिन उसमें अपने स्वयं से उस चीज को फील करना ये थोड़ा वहां तक पहुंचने का थोड़ा मेहनत ज्यादा नजर आई मुझे, क्योंकि अभ्यास ही अगर देखते हैं हम अपने आप को तो अभ्यास ही नहीं है हमें भाव क्या होता है। बस शुरुआत के विचार स्तर पर और पहली जो है स्टेप मन की यानी जीवन में वही पर रमने का अभ्यास बना है, उसी को सही गलत बस अपनी ही मान्यता के द्वारा ये भाव वाला पक्ष छूटता वो नजर आता था, ध्यान नहीं जाता था। लेकिन जब भैया जी द्वारा बताया जाता है इतने अच्छे से कि विचार के मूल में भाव है तब उसको हम देखने का प्रेम है देखने का प्रयास की तो सच में दिखाई दिया कि हाँ ये तो है, वो भाव सही का भी विरोध का है या सही का है यानी रिस्पॉन्ड का है। इस चीज को देख जब पहली बार कोई भी हर स्टेप में मैंने इस चीज को देखा है कि पहली बार जो छिया है तो उसमें फिर अपनी स्वयं की स्वीकृति बनती है और काम करने के लिए आगे बढ़ने के लिए जैसे रास्ता खुल गया है। उस भाव को देख पाई विरोध का है या ये है रिस्पॉन्ड है या रिएक्ट है और वहां से गाड़ी फिर जो मान्यता पांचवी स्टेप्स है वहां तक तो मुझे आसान सा लगता है, लेकिन अब आगे वाला काम के लिए पूरा मन बना है। मन यानी मन तो बना ही है, उससे अलग करने वाली बात ही नहीं है, लेकिन उसपे और काम कैसे हो, संबंध वाली बात व्यवस्था वाली बात सहज स्वीकृति वाली बात यही स्वीकार है संबंध को देख पाना, तो इसपे काम शुरू है और अब ये निरंतर काफी हेल्पफुल हो रहा है इन स्टेप्स के द्वारा। ये पहले अभ्यास का है और भाव वाला पक्ष छीता है इस बात को मुझे थोड़ा भैया जी कुछ अगर उसमें गलत मेरी ये बन रही है तो आप मुझे मार्गदर्शन जरूर करना कि कभी कभी अभ्यास के द्वारा देखते हैं तो दिखता है लेकिन मन में ये विचार आता है कि स्वयंस्फूर्त हो जाए क्योंकि इसकी मिठास और इसका जो है रिलैक्सेशन मूल्यों का ये बहुत ही बड़ी, इसमें निरंतरता कैसे बने और कैसे आगे जाऊं, इसकी प्यास अभी बने चल रही है और की और हर दिन पिछले कल से आज मेरा बहुत अच्छा होते जा रहा है क्योंकि ये मैं नहीं मुझे ये जो अभी तक जो पुरानी मान्यता अपने आप में बना के रखी थी ये मेरे लिए बहुत रुकावट थी और ये सही की जो समझ वाली बातें पहुंच रही है और ये इतना हल्का कर रही है अपने आप में कि अब वो मुझे पीड़ा ही नहीं रही है कि मैं देख नहीं सकती हूँ क्योंकि काम तो अपने आप पे करना है स्वयं का होना मैं की आइडेंटिटी इसी पे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है गणेश भैया द्वारा और आप सभी के सहयोग से कि लक्ष्य भी दिखाई दिया है और उस पे काम करने का दिशा भी दिखाई दे रही है, इसलिए हर पल बहुत ही अवसर सा हर क्षण और जबरदस्त सा लगते हुए आगे बढ़ने के लिए हो रही है आगे चल रही हूँ। इस प्रकार पहले अभ्यास क्रम में पहली स्टेप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज भी और आगे भी रहेंगी जब तक ये पूरा मैं पहुंचने के लिए ही पूरा है संबंध को व्यवस्था और सहअस्तित्व। अभी सातवीं स्टेप में नहीं आगे छह पे ही काम चल रहा है और अभ्यास दो शरीर और मैं यानी ये पे जो पहली स्टेप है ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं कि ये दो है लेकिन हमारा मैं शरीर के साथ ही पूरा बना है, शरीर को ही मैं मानने का अभ्यास बना है, इस चीज को भी वहां दिखाई दिया। दोनों अभ्यास सत्र की पहली स्टेप्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें जितनी स्पष्टता है और गहराई बनती है अपनी स्वीकृति बनती है तो आगे के स्टेप्स में जाने के लिए खुलते खुलते नजर आता है। अभ्यास दो की पहली जो स्टेप है कि शरीर और मैं और शरीर की आइडेंटिटी यानी जैसे संवेदना के द्वारा ही हम शरीर को मुझे शरीर है ये पता चलता है, बिना संवेदना के शरीर का नहीं होता है और जिसमें बाहर का तो मुझे कुछ दिखता नहीं तो वो दिखने का सवाल ही नहीं है, ये जो भी काम हो रहा है अपने आप में हो रहा है इतनी बढ़िया बात है और कहीं जाके नहीं किसी से पाना नहीं है कि कहीं जाके मैं सुखी हो जाऊँ और दूसरे से देखूं। दूसरी वाली जो स्टेप है आदान प्रदान सूचना है इस पे भी
बताए जाने के बाद में ध्यान जब दिया तो देखा तो हाँ ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है कि मैं निर्णय लेती हूँ, प्रायोरिटी किसे देती हूँ, क्या सुनना है, क्या करना है, किसकी आवाज सुनूं या क्या करना है, निर्णय तो मेरा होता है, मेरे द्वारा ही ड्राइव होता है कि शरीर के किस भाग को कहाँ दर्द हुआ नहीं हुआ या क्या काम करना है, पूरा बहुत अच्छे ढंग से देख पा रही हूँ कि मेरे द्वारा ही निर्णय दिया जाता है, मैं के द्वारा ही निर्णय शरीर को दिया जाता है कि हाथ हलाऊ, अंगली ऐसी करूँ या सिर को लगाऊ, यानी उसके पीछे ड्राइवनेस तो मैं ही है, ये भी स्टेप में बहुत अच्छे से दिखाई दिया है, निर्णय मेरा ही है। संवेदना मैं जो चौथी अगली स्टेप है, ऐसे स्टेप से मुझे एकदम पूरा नहीं है, लेकिन कोशिश प्रयास करती हूँ मैं ध्यान से सुनकर। पहले मन में आप पहले के शुरुआत के स्टेप शुरुआत के सेशन में मुझे लगता था कि भैया जी ने स्क्रीन पे क्या शेयर किया है, क्या शेयर किया है, लेकिन अभी अभ्यास द्वारा और ध्यान देके सुनने में पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा कोशिश कि संवेदना मैं नहीं हूँ, संवेदना और शरीर के बीच की दूरी को देखने का अभ्यास कर रही हूँ मैं, ये दूरी कभी कभी ग्लांस रूप में है ये तो पता चल रहा है, लेकिन उसे और निश्चित यानी और अच्छे से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली का प्रयास कर रही हूँ। और ये जो पांचवी स्टेप है अभ्यास दो में, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इस चीज को, क्योंकि संवेदनाओं को जो बाहर की परिस्थिति, बाहर के व्यक्ति के व्यवहार या स्वयं के शरीर की घटना, ये तीन चीजें ही फैक्टर रहती है, उसको मैं क्या अर्थ देती हूँ, ये जब क्लिक हुआ जिस समय मुझे, ये मुझे बहुत जबरदस्त और हेल्पफुल हुई बुद्धि सुलझ कर आगे बढ़ने के लिए। ये अर्थ देने वाला पार्ट भी मेरा होता है, जब मुझे दिखाई दिया तो क्या जबरदस्त, क्योंकि अभी तक अर्थ हम कुछ का कुछ देती थी यानी मान्यता आधारित या उस सामने वाले की गलती के कारण, तो ये पांचवा वाली स्टेप मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही कि अर्थ में क्या दे रही हूँ, क्योंकि अर्थ देने वाली मैं हूँ ये जब दिखाई दिया और उसके मूल में भाव है या नहीं है, इस सही देना है मुझे जो मान्यता के आधारित दे रही हूँ तो निश्चित है वो परेशानी वाला और गलत रहेगा, अगर सही के इसमें दे पाती हूँ तो निश्चित है वो अपने आप में हारमोनी बनती है, स्थिरता बनती है, तो ये स्टेप मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही और इस प्रकार आगे बढ़ रही हूँ। मेरा पूरा सबसे बड़ा उपकार तो इस चीज को देख पा रही हूँ, जो पहले बाहर बाहर देखने की अभ्यास था, गति को ही स्थिति छूट रही थी अपने आप में, तो अब पूरा मन पूरा ध्यान अपने आप में लगा है, इसका पूरा यूटिलाइज हो रहा है कि काम क्या करना है, कल्पनाशीलता में किसके चलाना है, कैसे चल रहा है, भाव अगर बने रहते हैं तो आगे की सब मुझे सहज लग रही है, हल्केपन के साथ, कोई विरोध वाली बात नजर नहीं आती है, क्योंकि जो पुराने संस्कार है तो मम्मी पापा के साथ थोड़ा रिएक्शन का मोड बहुत ज्यादा है मेरा, लेकिन वो मेरी सुन अब उन्हें और ये कंटेंट उनके साथ रखना और ये करना ये तो बहुत बड़ी गलती सी लगती है, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये मैं किसी के साथ नहीं कर रही हूँ, अपने आप पे काम करने वाला अभ्यास बहुत अच्छे से चल रहा है। और बार बार ये कभी कभी लगता था कि मुझे समझ रहा है नहीं, मैं कैसे जानू, और ये जो शेयरिंग होती है और ये जो भी होता है ये अपने स्वयं के सुधार के लिए ही होता है, पहले मैं घबराती थी बोलू या नहीं बोलू कैसे क्या है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोली नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ठीक हूँ या नहीं, भैया जी मेरा गाइड मार्गदर्शन कैसे होगा, तो हर चीज मुझे अवसर रूप में लग रही है हर क्षण और जबरदस्त है। तो ये जो बदलाव हुआ परिमार्जन हो रहा है इस चीज को देखती हूँ, तो उस मुझे जो सातवीं स्टेप है शून्य और शून्य में शरीर और मैं दोनों का जो है इस चीज की ओर मुझे ध्यान जाने के लिए मुझे हेल्पफुल हो रहा है कि कैसे हो सकता है, पहले तो स्वीकार ही नहीं होता था कि बदल सकती हूँ, पहले के स्थिति को देखो तो ऐसा लगता है कि क्या मुझे, और आज देखता है तो बापरे अपने खुद पे शेमफुल होता है कि कैसा रिएक्शन कैसा बोल देना धड़ाल से, भले परिवार में ही है बाहर तो ज्यादा नहीं है, काम भी नहीं किया है, कोई वर्किंग प्लेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन बोल रिएक्शन मोड हमारा इतना पावरफुल होता है कि स्वीकार ही नहीं होता है। सबसे बड़ी इसमें एक और पॉइंट जुड़ा है कि लिसनिंग, क्योंकि सुनाने की जिसे रहती पक्ष पावरफुल रहता है तो सुनना नहीं चाहता है, तो अब इन सब चीजों पर बहुत अच्छे से मैं काम कर रही हूँ और रिजल्ट भी मिल रहे हैं कि सच में सामने वालों को सुनना भी लक्ष्य और उनकी स्थिति इंटेंशन, चाहत तो सबकी सही है लेकिन इंटेंशन को देखते हैं तो उनके रिएक्शन वाले मोड से हम प्रभावित नहीं होते, इस प्रकार काम चल रहा है। अगली जो सुख स्वभाव है ये दिखाई दे रहा है, प्रभाव से मैं काफी अब
राहत पाते हुए, राहत नहीं कह सकते ऐसे अपने आप को, ठीक है ना, शब्द मुझे पूरे आते नहीं है अलाइन करते हुए ढंग से बोलना, लेकिन बस बहुत बड़ा उपकार है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के लिए सर साफ साफ है, परेशानी होती ही नहीं है और ध्यान अपने पे जाकर काम हो रहा है तो इतना सहज लग रहा है कि जबरदस्त। भैया जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और काम करने के लिए मुझे मिल गया ना, जो कहते हैं ना मन की बेरोजगारी, क्या करूं क्या करूं, जो गैप है तो काम मिल गया है, धीरे धीरे हो रहा है, इस चीज को भी देख रही हूँ, तो इसलिए हड़बड़ी बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल पहुंच जाना है मंजिल तक, सत्य क्या है ऐसा नहीं है, समय तो लगेगा लेकिन काम करने के लिए उतना ही उत्साह है। जैसा आपने शेयरिंग बताया तो 22 वर्ष पहले आपकी मतलब देखने की जो शरीर की क्षमता थी वो नहीं रही, उसके बावजूद आप इतना मन लगा रही हैं और काम कर रही हैं, बहुत प्रेरणादायक है सभी के लिए। क्योंकि हम ये जो बाहर का प्रभाव हमारे ऊपर पहुंचता है उसका एक मेजर सोर्स तो आंखें होती हैं, तो आंखों से जो दृश्य देखने को मिलता है वो हमारी कल्पनाशीलता को बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो यदि हम आंखों का प्रयोग उस रूप में नहीं कर पा रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हम अपनी ओर ध्यान दें, अपनी कल्पनाशीलता की ओर ध्यान दें, अपने आप में परिमार्जन के लिए काम करें। और जिस तरह से आप निष्ठापूर्वक सुबह का सत्र अटेंड कर रही हैं और समझने और जीने का प्रयास कर रही हैं और अपनी अपने आप को बहुत बारीकी से देखने का प्रयास कर रही हैं, वो सभी के लिए प्रेरणादायक है। तो मैं उमा जी के साथ रहने का मेरा संयोग कानपुर में सार सत्र में बना और करीब 10-15 दिन मैं उनके साथ रहा। तो सर पहले कहा करते थे कि आंखों का उपयोग कितना है ये देख लो, तो पहले वो बात समझ में नहीं आती थी, मुझे लगता था कि आंखों से देखना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उमा जी के साथ रहने और अपनी कल्पनाशीलता को साफ साफ देख पाने पर अब ये तय हो गया है कि आंखों का उपयोग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मेन काम तो कल्पनाशीलता में ही चलता रहता है। तो ये उमा जी एक प्रेरणा है और वो जिस लगन और निष्ठा के साथ लगी रहती हैं वो सबके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। इतनी ही बात भैया करना चाहूँ, आंखें नहीं है तो जिंदगी क्या है ना, इस चीज को क्यों क्यों जो लगा के आगे बढ़ा जा रहा है तो पता चलता है डिफरेंशिएट, हर चीज का डिफरेंशिएट साफ साफ दिखाई देता है, यानी सहज जो बात है, एक शरीर की आंख नहीं होने का एक मर्यादा और सीमितता बन गई है, लेकिन जीवन रूप में तो समान है, उसमें अवेयरनेस, उसमें होश आ जाए, इसमें तो इसमें मुझे भेदभाव नहीं है, ये सब समान दिखता है और ये सबकी शेयरिंग सुनती हूँ तो इस चीज को देख पाती हूँ कि सब अपने जैसे ही है ना, वो आगे आगे बढ़ना फैलाओ, ये चीजें सहज सी लग रही है, जितनी अंदर की गुत्थियां खुलेंगी और जितना मैं सुलझ के साथ देख पाऊंगी उतना फैलाव के साथ दिख रहा है, ये बात कहने की भी है। जी बिल्कुल दीदी, और आप तो महाराष्ट्र में ही है और घर महाराष्ट्र में कई साथी अपने तैयार हो रहे हैं, पूरी टीम के साथ आप जुड़कर भागीदारी कर सकती हैं, बहुत सारा काम ऐसा है जो नियरली ध्वनि से होता है, तो इन सारे कामों में आपकी भागीदारी हो सकती है। अपनी भागीदारी के लिए अगर आप कुछ और रखना चाहें आगे के लिए तो आप रख सकती हैं, आगे किस तरह से अपनी भागीदारी को देखती हैं। भागीदारी में यानी जैसे मेरे मुझे यही दिखता है कि हर मानव समझदार हो जाए, हर मानव का ध्यानाकर्षण करा पाऊ कि समझदार होके जीना बहुत सहज है, ज्ञान के साथ, ज्ञान संपन्न होने के साथ में, इस चीज के लिए मैं कैसी उनसे जुड़ पाऊ और ये बात पहुंचा पाऊ, यही मैं उसको देखती हूँ। ये मुझे थोड़ा अभी टास्क कठिन सा लग रहा है क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है भैया जी, समाज में अवेयरनेस नहीं है, अभी मैं परिवार के साथ ही जुड़ी हूँ, ये बात कहती हूँ, मैं कुछ थोड़ा कहने भी जाऊँ तो शायद पुरानी संस्कार के कारण या क्या वो लोग स्वीकारते नहीं है, ये तेरे लिए ठीक है, तुझे काम नहीं है, काम तो मैं घर में बराबरी पूरा अच्छे से अपने द्वारा सहयोग करवाती हूँ, वो मेरे लिए नॉर्मल सी चीज है, लेकिन लोगों की स्वीकृति नहीं बनती है, वो कहते हैं कि ठीक है तू देख जो कमाता है, जिसे काम करना पड़ता है उन्हें पता है कितनी मेहनत और क्या है, देखो केवल बातें आती है, बोलने से नहीं फेंक गिरता है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं मेरा जीना बन जाए उस प्रकार से निश्चितता के साथ भाव संबंध पूर्वक, तो फिर अगर किसी की सुनने की स्थिति बनती है या तो फिर मैं उसे बात को रखू या फिर स्थिति बनने के लिए पहले प्रयास करूँ और फिर स्थिति बनने के बाद जोड़ने का प्रयास, फिर आगे तो आप सब लोग हो ही। बढ़िया दीदी, चंद्रशेखर जी। हाँ जी, सभी को नमस्ते
आज की जो दोनों जो प्रस्तुति है वो भैया बहुत अच्छी है। और उमा दीदी के साथ तो मैं 1 महीने सार सत्र कानपुर संस्थान में रहा हूँ, तो किसी भी विषय वस्तु को काफी गहराई में देखने समझने का जो मैंने देखा वहां प्रयास, और इतनी जिज्ञासा थी दीदी के पास, तो वो भैया अपने आप में प्रेरणादायी था। फिर मैंने ये भी देखा दीदी में कि हर चीज को बारीकी से देखकर और उनका जो अपना व्यवहार है किसी के साथ या हम लोगों के साथ, इतना भैया सहज था, जो हमेशा जो है वो ये बन कभी ये अनुभव ही ये नहीं हो वो होने देती थी दीदी, कि हम मैंने किसी भी तरह जो एक सामान्य जो आचरण होता है, व्यवहार होता है या अभिव्यक्ति है, तो सब में एक पूर्णता का भाव जो है ये होता था। और एक दृष्टि में तो भैया हम लोगों से ज्यादा गहराई में जा करके, सूक्ष्मता में जा करके दीदी जो है उस बात को रखती थी। और सामाजिक भागीदारी में भी दीदी जो है वो सक्रिय हैं। दीदी से मेरी लंबी बात होती थी वो कानपुर संस्थान में, तो उसमें के प्रति भी काफी जो है दीदी को जिज्ञासा है, और अपने जो परिवार है, अपनी जो बेटियां हैं, उसके बारे में भी दीदी जो है वो बताई थी। तो उमा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो दीदी, नमस्ते। नमस्ते भैया। बहुत बढ़िया भैया। जो अपने साथियों की शेयरिंग की लिस्ट है उसको एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। इंदु भूषण जी, आपने कहा था कि 20 तारीख या उसके बाद आप कर सकते हैं प्रस्तुति अपनी, तो 20 तारीख का समय आपके लिए रखा है, बताइए आपके लिए ठीक रहेगा? आप हैंड रेज कर दीजिए या फिर मैं आपको माइक पास ऑन कर देता हूँ। जी 20 तारीख को ठीक रहेगा? जी सर, 20 तारीख को ठीक रहेगा। जी भैया, जी ठीक है। और अभी अपने बहुत सारे स्लॉट खाली हैं, तो वहां पे भी आप अपना नाम दे सकते हैं। तारीख 17 है कि 18 है? जी आज 17 तारीख है, 23 तारीख में वैशाली जी ने अपना नाम दिया है, वैशाली जी कर लेंगे। तो अनिल जी, तो आपका नाम अभी भी बदला नहीं, अनिल अहलावत जी 7 तारीख। जी किसी और को अपना नाम देना हो तो दे सकते हैं। तो कल रेखा शर्मा जी का और हिमांशु द्विवेदी जी का, दो साथियों का है, 19 तारीख में एक ही नाम है, 21 22 में एक ही नाम है, 23 में वैशाली जी का नाम मिला है, ऐसे 24 25 में एक ही नाम है, और आगे देखते हैं तो 1 तारीख में और 3 तारीख में एक ही नाम है। वैशाली जी ने 23 तारीख अपना नाम दिया है। अपना जरा एक बार कांटेक्ट नंबर हमें दे दीजिए, मैं आपको कल ट्राई कर रहा था बट आपका कांटेक्ट नंबर मुझे मिल नहीं पाया वैशाली जी का, एक बार अपना यहाँ नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूंगा। जी और किसी को अपना नाम देना हो तो नाम दे सकते हैं। अपने कई साथियों हैं जिन्होंने अभी तक शेयरिंग के लिए अपना समय नहीं दिया है, एक बार देख लेता हूँ। तो अजय कुमार जी, देवचंद जी, देवचंद जी ने काफी प्रश्न किए हैं इस बार सत्र में, तो हम लोग चाहेंगे देवचंद जी भी शेयरिंग करें। जयप्रकाश जी, गंगवार जी, अनिता दुबे जी,
अशोक कुमार शर्मा जी, कुछ अपने पुराने साथी भी हैं, कुछ नए साथी भी हैं। लीना जी और दीप्ति ओझा जी ने अपना नाम दे रखा होगा, शायद इंग्लिश के सत्र में दिया होगा, तो इन्हीं का अगर नाम छूट गया है पूरी लिस्ट से और अपना समय बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। साथी जी आपका तो दिया हुआ है, आपका 2 तारीख को है, 2 नवंबर। अभी और भी समय, कोई कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं तो प्रश्न रख सकते हैं, या आज जो शेयरिंग हुई उसका कोई रिफ्लेक्शन देना चाहें तो रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। राजकुमारी जी नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। मैं उमा दीदी के बारे में कहना चाहती थी, दीदी आपकी शेयरिंग बहुत ही प्रेरणादायी है और बहुत गति बनी है जैसा आपकी शेयरिंग से लग रहा है। और एक बात जो कुमार भैया ने कही है उससे उसी क्रम में मैं थोड़ा सा अपनी बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास आंखें नहीं है तो, हालांकि ये बहुत ही असुविधाजनक है और खेत की बात है जो भी घटना हुई जिस वजह से आपकी दृष्टि नहीं रही, पर एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप है ना बाहर से जितने भी इनपुट सुबह से शाम में हम लोग लेते रहते हैं ना, मैं अपनी बताऊं बहुत मैं ऐसा हो जाता है कि अच्छा चल रहा है सर, वो इतना मेहनत किया, सुबह मॉर्निंग सेशन लिया और फिर कुछ ऐसा असेसमेंट चलता ही रहता है ना, दूसरे को देखा भाव आ गया, कुछ देखा तो आस्वादन आ गया, संवेदना जागृत हो गई, ये सब तो मेहनत को है ना कहीं कहीं नेगेटिव ले जाती है। तो ये अच्छा है कि आप उस सबसे प्रभावित नहीं हुए होती हैं और आपके पास एक अच्छा वो है, अब सर क्या कर सकती हैं दीदी। और आप है ना इसे अपनी ताकत समझिए, मतलब अच्छी बात है क्योंकि इतने 20 सालों में ना हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना हमारी जनरेशन उतना बहुत अच्छा नहीं रहा है अभी देखने लायक कुछ ऐसा, और हम सभी मिलके प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है कि इतना अच्छा ऐसे बना पाए हम आपके देखने के लिए कि जब आप अगली शरीर यात्रा लेंगी तो आप कुछ अच्छा देख पाएंगी। तब तक आपकी जो भागीदारी है हम सभी के साथ वो तो चली रही है और आशा है और आप अच्छा कर पाएंगी, बस यही कहना था मुझे, धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, कोई और कुछ शेयर करना चाहें, कोई रिफ्लेक्शन हो आपका या कोई प्रश्न हो कंटेंट से जुड़ा? जी लीना जी सर भगवान सिंह जी नमस्ते, मेरी आवाज पहुंच पा रही? जी पहुंच। सभी को नमस्ते। आज की जो प्रस्तुति थी, शेयरिंग थी, बहुत ही प्रेरणादायी थी। रेवती दीदी भी मेरे लिए हमेशा मोटिवेशनल रहती है, इंस्पायरिंग रहती है, और उमा दीदी की बात सुनने के बाद मतलब सच में वो कैसे कर पाती ये क्वेश्चन मेरे मन में उठा, और उनका भी बहुत ही प्रेरणादायी है, मतलब ये सब वो कैसे कर पाते मैं मेरे मतलब मन में कब से क्वेश्चंस आ रहे कि सच में उनका बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है, वो देख नहीं पाते तो वो अपने मन को शायद और भी ज्यादा अच्छी तरह से देख पाते होते, ये भी मुझे ऐसा लगा। दीदी कैसा कैसा होता है, कैसे कर पाते हैं आप ये सब कुछ? आवाज आ रही है दीदी? हाँ आ रही है। हाँ नमस्ते दीदी। नमस्ते। हमारे जीवन यानी सेल्फ जिसे हम जीवन कहते हैं, सेल्फ मैं का अभ्यास है ना बाहर बाहर का ही बहुत अधिक रहता है, लेकिन जब ध्यान इंगित कराया गया है कि सेल्फ और शरीर ये 2 आइडेंटिटी है और काम तो अपने आप में करना है, अपने आशा विचार इच्छा को देखना, हम अपने आप की ओर ध्यान ही नहीं देते, हम बाहर के एक्शन और बाहर के देखने से अपने आप में से बुनाबनी शुरू हो जाती है। तो जब जैसे जैसे ध्यान अभ्यास के, ये दोनों अभ्यास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार बस गाड़ी ध्यान वहां तक, दोनों अभ्यास में बस शुरुआत में ही बहुत थोड़ी मेहनत सी लगती है, और मेहनत यानी ध्यान चले जाने के बाद में मैं तो कहूंगी गाड़ी चल पड़ती है।
हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें क्या है, क्योंकि हमारे अंदर की स्पष्टताएं नहीं रहती, अस्पष्टताएं रहती है, उसी स्पष्टता की ओर बढ़ने के लिए हम देखना शुरू करते हैं तो हमें वो दिखाई देती है, क्योंकि लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हमारा मिसिंग रहता है, करना क्या है। तो उस अंदर की स्पष्टता है जितनी, जैसे जैसे हमारे अंदर बनना शुरू होती है तो हमारे अंदर स्थिर विचार, हमारी आशा, इस पर नियंत्रण, स्थिरता, ये मुझे लगता है कि सहज रूप से होना संभव दिखाई दे रही है, कठिन कुछ भी नहीं लगता है। और जब मैं शरीर को मैं मान के जीती हूँ तब ये सब कठिनाइयां लगती है, क्योंकि वैसे अगर आप देखेंगे तो प्रतिकूल ही प्रतिकूल है काफी, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं तो लोग मुझे नहीं देखते, इस हिसाब से बिहेव नहीं करते हैं ना, देखती हूँ क्योंकि आंखें मेरी नॉर्मल है, लेकिन मुझे तो होश में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना फिरना टकराना ये बहुत होता ही रहता है, लेकिन मैं अवेयर रहूंगी अपने आप में तो ये हर चीज में सहज होके उसको सेव करते हुए काम कर सकती हूँ, घर का पूरा काम करती हूँ। और ध्यान अपना एकाग्रता जितनी बनती जाएंगी, अपने आप पे ध्यान देती जाएंगे हम, तो ये चीजें आसानी खुलना, क्योंकि अस्तित्व में ये सब चीजें है ही, हमारा ध्यान नहीं जाता है, बस यही मिसिंग पार्ट है ये। फिर क्योंकि जो जीवन की मैं की जो है आवश्यकता है और शरीर की, ये दोनों सबके लिए समान है, मेरी शरीर की आवश्यकता है, मैं सीमितता है वो दिखाई दे रही है। उसे मैंने शुरुआत में जो मुझे कठिनाइयां हुई स्टार्टिंग है 10-15-12 साल, क्योंकि मैंने शरीर को मैं माना और उसे स्वीकृति नहीं थी, ये जीवन में इसकी स्वीकृति भी होना कि हाँ मुझे दिखता नहीं, क्यों कोई मुझे कह देता था कि देखो दिखता नहीं अंधी है, तो ये भी मुझे बहुत पिंच होता था। लेकिन आप ये पूरा एक्सप्लोरेशन ये दोनों अभ्यास के द्वारा ही जबरदस्त है। अब एनी टाइम 24/7 मुझसे कोई बात करवा लो, विचार क्या चल रहे, हर चीज ऐसे साफ साफ दिखाई दे रही है, कितनी बड़ी क्षमता अपने आप में उपलब्ध है। इस चीज को देख के इतनी खुशी होती है कि मैं हूँ, आप पहले भी थी, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगी, यानी मैं वाला मैं के रूप में। और इसमें कि विचार क्या करना है, आशा क्या है, इच्छा क्या है, ये मेरा निर्णय है, इसे कैसे चलाना है, वो भाव के साथ कैसे जुड़ सकती हूँ, इसीलिए अब काम ही काम है। और ये सब जब अच्छी बातें अपने आप में चलती है तो हल्कापन बना रहता है, विचारों में मिसमैच और ना समझी वाली अगर बातें आती है तो तुमको अपने आप में थकान फील होती है। तो ये बारीक बारीक सूक्ष्मता, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम सूक्ष्मता और सूक्ष्मता, उतना ही हल्का होने का अवसर ही अवसर है, देख पा रही हूँ, दिखाई दे रहा है, और देखने का अभ्यास, ये दोनों अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले पहले स्टेप पे अगर हम अच्छे से ध्यान चल जाता है, निश्चित कर पाते हैं, तो आगे के स्टेप्स की ओर बढ़ना और वो खुलने के लिए खुद ब खुद, बोलते हैं ना पहली चाबी खुल गई तो अगली चाबी खुलने के लिए आसानी, खुलना खुद ब खुद हो जाती, इतनी मेहनत नहीं लगती है।